स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, उसकी कितनी मेथड्स होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, और उसमें से किसी एक मेथड को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. It is the standard form of quadratic equation, जिसे हम कहेंगे ax square plus bx plus c is equal to 0. इसे quadratic इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके highest degree कितनी है? 2. इसके highest degree कितनी है? 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे quadratic equation. तो ये होगा ax square plus bx plus c is equal to 0, इसका ये standard form होता है। Quadratic equation solve out करने की तीन methods है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज कंप्लीट स्क्वेयर मेथड, एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड्स हमें पढ़ने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वेयर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व आउट करने के लिए तीन तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तीन तरीके से फैक्टराइजेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म का मतलब बीच के टर्म को सेपरेट कर देना, उसके फैक्टर्स करना, बीच के टर्म्स को फैक्टर्स करना। ठीक है, सेकेंड वन इज यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला, यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले का यूज करके। इसमें एक कंडीशन होती है कि यहां पर b इज इक्वल टू जीरो, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर आउट कर दू, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इट इज ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वन, यहां पर नहीं तो b और c का कंफ्यूजन क्रिएट आउट हो जाएगा। यूजिंग दैट कंसेप्ट यहां पर क्या होगा, जब हम इस मेथड का यूज करेंगे तो ये b जीरो रहेगा, b क्या होगा, जीरो होगा, वेयर b इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने ऐसा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, मतलब इसे हम सिंपलीफाइड करेंगे तो इट इज a प्लस c एंड a माइनस c ही होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में यूजिंग a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, पर ये कब, जब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और बाद में हमें कॉमन फैक्टर्स, थर्ड स्टेप होगी कॉमन फैक्टर, टेकिंग कॉमन फैक्टर, ये थर्ड स्टेप होगी टेकिंग कॉमन फैक्टर। किसके कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे, ax square plus bx is equal to 0 के, ax square plus bx is equal to 0 के। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फैक्टराइजेशन में, बट जनरली ये मेथड पूछी जाती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बट हमें प्रिपेयर होना होगा, इट में भी पॉसिबल पूछ सकता है या फिर हमें कहीं ना कहीं वो यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के तीन मेथड, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि b की वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब b x का कोएफिशिएंट अब्सेंट होना चाहिए। नेक्स्ट टेकिंग कॉमन फैक्टर्स के वक्त क्या होगा, c नहीं होगा, कॉमन फैक्टर के वक्त क्या नहीं होगा, c नहीं होगा, मेरे पास x ax स्क्वायर और bx ही होगा। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूजिंग सम रूल्स के साथ में सॉल्व आउट करेंगे, कुछ रूल्स है इसके, इसको सॉल्व आउट करने के लिए किस तरीके से, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व आउट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। एंड फॉर्मूला जहां पे आपको यूज करना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, ये फॉर्मूला यूज करके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड से। फ्रेंड्स, हम यहां पर आपको चार प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे होंगे, इन चार प्रॉब्लम्स को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के यूज कर सॉल्व आउट करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी बीच के टर्म को स्प्लिट करना, यानी उसके फैक्टर्स गिराकर उसे सॉल्व आउट करना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कहता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बिल्कुल लिख के रख दीजिए। व्हाट इज मीन बाय रूट्स, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है
जिसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं, मतलब मैं जिसकी वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमेशा बात याद रखिए, जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके रूट्स। लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व आउट किया था, तो लीनियर इक्वेशन में हमें एक्स की एक ही वैल्यू मिलती थी, वाई की एक ही वैल्यू मिलती थी, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन था, उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 1। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आउट कर रहा हूं तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। यानी यहां पर मुझे एक्स की वैल्यूज 2 मिलेगी, इसलिए कहा जाता है जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके रूट्स। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं तो इट स्टेट दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स दैट्स मीन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये चारों क्वेश्चंस में आपको कुछ तो डिफरेंस नजर आ रहा होगा, अगर देखना चाहो तो देखिए, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, ओके, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, फिर प्लस और प्लस, मतलब कहीं ना कहीं साइन चेंज है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस यही होते हैं कि सर फैक्टर्स तो निकल जाते हैं, फैक्टर्स निकल जाते हैं, पर साइन में प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लस किसे लगाना है और माइनस किसे लगाना है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट से ट्रिक देखेंगे, और हमेशा ये चार चीजें याद रखना है आपको, और उसकी मदद से बहुत इजी जाएगा। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रॉब्लम के हिसाब से, अगर पहला माइनस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला माइनस दिखे और दूसरा प्लस दिखे, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो इसके जो भी आप साइन यूज करोगे तो दोनों जो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें माइनस की ही साइन होगी। क्या कहा मैंने, पहला अगर माइनस और दूसरा प्लस दिखे, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो इसके जो भी दो फैक्टर्स निकलेंगे, इसके जो भी दो फैक्टर्स निकलेंगे उसके दोनों की साइन कैसी होगी, माइनस होगी। दोनों की साइन कैसी होगी, माइनस होगी। सेकेंड वन, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो यहां पर जब भी आप साइन यूज करोगे तो यहां पर साइन यूज होगी प्लस और माइनस की, प्लस और माइनस की, एक रूट की प्लस होगी और एक रूट की माइनस होगी। एक वैल्यू जो आप एक्स की दो वैल्यूज निकालोगे उसमें से एक की वैल्यू प्लस होगी और एक का साइन माइनस होगी, पर अब कंडीशन होगी कि सर प्लस क्या होगा और माइनस क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें आप प्लस की साइन यूज करोगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ में मैं और अच्छे से क्लियर आउट करा दूंगा, पहले तो ये चीजें समझ लो और ये दिमाग में डाल दो कि किस तरीके से साइंस का यूज होगा, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालना बहुत इजीली आ जाता है, समझ जाता है, पर हमारी तकलीफ होती है सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस के साइंस में। तो इसे केयरफुली ध्यान दीजिए। सो थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, दोनों चीजें माइनस है, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, तो इसके जो वैल्यूज निकलेगी इसके भी प्लस और माइनस ही निकलेगी, इसके भी साइन जैसे दोनों जो फैक्टर्स होंगे उसके साइंस क्या होगी, प्लस और माइनस, पर इस बार ग्रेटर नंबर के ऊपर माइनस साइन होगी। माइनस साइन किस पर होगी, ग्रेटर नंबर पर, पहला प्लस दूसरा माइनस तो प्लस माइनस ही फैक्टर निकलेगा, पर उस वक्त ग्रेटर नंबर पर प्लस साइन होगी। यहां पे माइनस और माइनस है, दोनों साइन कैसे है, माइनस एंड माइनस, तो यहां पर प्लस और माइनस मिलेगा, पर यहां पर ग्रेटर नंबर के ऊपर माइनस साइन होगी। एंड फोर्थ वन इज सो इजी, यहां पर तो प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर दोनों साइन प्लस हुई तो इसके दोनों फैक्टर्स प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन अगर प्लस हुई तो इसके दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये था रूल, ये फर्स्ट रूल, ठीक है, इन रूल को फॉलो करिए। सेकेंड रूल होगा कि हमेशा एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट जब भी हम देखेंगे तो उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। इफ देयर इज एनी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट है देन मल्टीप्लाई इट विथ सी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू हो, यहां देखिए सारे एग्जांपल्स की तरफ आप केयरफुली ध्यान दो, तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 होगा, यहां पे कितना होगा, 1 होगा, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। पर अगर कभी ऐसा एग्जांपल आ जाता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं,
तो आपको क्या करना है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर के आगे वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये सेकंड रूल होगा, 3 2 6, तो अब मैं फैक्टर्स निकालूंगा 6 के, फैक्टर्स किसके निकालूंगा, 6 के फैक्टर्स निकालूंगा। तो सेकंड रूल ये होगा, इफ देयर इज एनी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस ए अगर है तो उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सी के साथ में, किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ में। तो ये दो रूल्स को थोड़ा सा याद रखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को, कि ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व आउट किए जाएंगे। प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर, मैं यही पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको रूल्स क्लियरली समझ सके। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। मुझे देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सम ऑफ रूट्स बीच में होना चाहिए, ये जो है ये रूट का सम है, ये रूट का क्या है, सम है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब ये 54 उसका प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने के बाद 15 मिले और मल्टीप्लाइड करने के बाद 54 मिले। क्या करना होता है, ऐड करने के बाद 15, एडिशन करने के बाद 15 मिले और मल्टीप्लाइड करने के बाद 54 मिले। तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 9 6 54, 9 + 6 15। अब चलते हैं साइन के यूज की तरफ, कि साइन किस तरीके से यूज किया जाएगा। यहां देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों साइन माइनस होने चाहिए, दोनों जो वैल्यूज होंगे, दोनों जो हमने फैक्टर्स निकाले उसकी साइन कैसी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना। क्या था, 54 का मल्टीप्लीकेशन, ऐसी वैल्यूज ढूंढना था जिसका सम 15 आना चाहिए और जिसका मल्टीप्लीकेशन 54 होना चाहिए, है ना, सम 15 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 54 होना चाहिए। तो हमने निकाल लिया 9 6 54, 9 + 6 दैट इज 15, पर बात ये बात साइन की, तो इट इज माइनस और माइनस। तो चलो इसे लिखते हैं, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर और एक कंडीशन, सर पहले 9x लिखे या 6x लिखे, कोई भी लिख लो चल जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले बड़ा नंबर ही लिखना है या छोटा नंबर, आपको कोई भी लिख सकते हो, इट इज माइनस 9x माइनस 6x चलेगा, या इसे माइनस 6x माइनस 9x फिर भी चलेगा, क्लियर। अब देखिए यहां से कॉमन क्या निकल रहा है बेटा, सेम क्या है, एक्स, है ना, पेयरिंग करना है, ये दो की पेयरिंग, ये दो की पेयरिंग, क्लियर डाउट। क्या करना है आपको, पेयरिंग्स करना है दो दो की, ये एक ये दो की पेयरिंग कर लिए, अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स, कॉमन यानी दोनों में सेम क्या है, एक्स है, तो यहां पे देखिए इट इज एक्स माइनस 9 आ गया, एक्स कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू 9 9x हो गया। अब बिना सोचे समझे यहां पर एक्स माइनस 9 लिख लो और इक्वल टू जीरो, ठीक है, x x माइनस 9 ये मिल गया मुझे पहला, तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 9 लिख देना है, क्लियर डाउट। अब देखो यहां पर क्या है, माइनस 6x, क्या है, माइनस 6x, यहां प्लस रहेगा तो प्लस लिखना, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, ये भी चीज क्लियर करा दूं, यहां पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है माइनस लिखना है या प्लस लिखना है। x इस x के साथ में जो भी वैल्यू होगी, माइनस हो या प्लस हो, वो वैल्यू लिख देना है। तो यहां क्या है, माइनस 6 हो गया भी आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्लियर आउट। अब फैक्टर्स क्या मिले, ये दो बार टर्म है तो इसे मैंने एक बार लिखना है, इट इज एक्स माइनस 9, इट इज एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी होगा, इट इज एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के साथ में और एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो अब क्या होगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वो भी माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्लियर डाउट। आपको इजी वे है, एकदम इजी तरीका है, ध्यान कहाँ रखना है, आपको ध्यान रखना इन साइंस के तरफ क्या है, उसके बाद ध्यान रखना है कॉमन निकालने की तरफ, कि कॉमन किस तरीके से निकाला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 का। क्या कहा, पेयरिंग कर लो दो दो की, दो दो की जैसे पेयरिंग करोगे उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, x और x माइनस 9। अब बचा क्या, यहां साइन की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो साइन यहां पे माइनस होगा तो माइनस यूज करो, प्लस होगा तो प्लस यूज करो, डोंट थिंक अबाउट दैट, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, 6 से कब मल्टीप्लाइड करने के बाद 54 आ रहा है, ये सारी चीजें, इट इज माइनस है तो माइनस 6, प्लस 6 होता तो प्लस 6, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इट इज सो सिंपल। तो चलो देखते हैं सेकंड एग्जांपल को,
अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, पहले 20 के ऐसे फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आएगा, या तो प्लस करने के बाद 1 या माइनस करने के बाद 1 मिलेगा। क्या कहा मैंने, देखिए ऐसे टर्म्स लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आएगा। तो हम देख लेते हैं 20 कब कब आता है, 1 × 20, 2 × 10, 3 में तो आता नहीं है 20, 4 × 5, अब तो 5 × 4, यानी ये उल्टा होने लग गया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें मिल रही है मुझे। अब क्या देखना है कि इसको प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद 1 आ रहेगा। भैया 20 प्लस 1 21 हो गया, 20 माइनस 1 19 हो गया, ये तो कट गया, ये नहीं है मेरा, ठीक है। 10 प्लस 2 12 हो गया, 10 माइनस 2 8 हो गया, मतलब ये भी नहीं है मेरा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो 4 5 जा 20, 20 बन रहा है, मतलब 5 माइनस 4 कर दिया तो सिंपली 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1, मतलब ये मेरे फैक्टर्स होंगे, ये क्या होंगे, मेरे फैक्टर्स होंगे। तो चलो इट इज एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 20 के, फैक्टर्स किसके निकालने हैं, 20 के, डोंट रिमाइंड माइनस 20 प्लस 20, 20 के निकालना है, ठीक है, 20 के फैक्टर्स निकालना है। अब हम चलते हैं हमारे साइन की तरफ, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, प्लस और माइनस। तो चलो मैं लिख लेता हूं 5 और 4, पर यहां पे कंडीशन दी हुई है, कंडीशन कहती है कि प्लस ग्रेटर नंबर के सामने लगाना है आपको, प्लस कहां लगाना है, ग्रेटर नंबर के सामने, मतलब ये तो प्लस 5 हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस ही फैक्टर्स निकलेंगे, पर ग्रेटर नंबर के सामने प्लस और स्मॉलर नंबर के सामने माइनस। तो इसे कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, है ना, इसके साथ x लगा देना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, सम ऑफ रूट्स इनटू x, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगेन इसके बाद किस स्टेप, पेयरिंग, राइट, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ओके, ये दो पेयर बने थे, चलो भैया इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है, यहां से x, तो यहां क्या बच गया, x प्लस 5, बिना सोचे समझे x प्लस 5 लिख दो यहां, डोंट थिंक अबाउट दैट कि सेकंड क्या होगा, यहां पर x प्लस 5 निकल गया मेरा, ये ब्रैकेट में जो था यही ब्रैकेट वाली टर्म यहां पर लिख दो, इट इज x प्लस 5। अब देखिए यहां पर साइन क्या बच रही है और वैल्यूज क्या बच रही है, x के आगे क्या है, माइनस 4 लिख लो, माइनस 4, है ना, सो आंसर्स क्या होंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5, क्यों, तो प्लस था, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहां पे दो वैल्यूज मिले, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 5। एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेटा, सिर्फ मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि साइन के तरफ ध्यान देना है, अगर साइन गलत होती है तो आपके फैक्टर्स गलत होते हैं, साइन अगर गलत होती है तो आपके फैक्टर्स गलत हो जाएंगे। तो चलो थर्ड वन की तरफ ध्यान देते हैं कि तीसरा क्या होगा और किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसी वैल्यू लेना है कि जिसको मल्टीप्लाइड करने के बाद 5 आता हो और प्लस या माइनस करने के बाद 4 आता हो। और 5 कब आता है बेटा, 1 इंटू 5 में, इसके अलावा तो 5 किसी में आता नहीं है, है ना, 1 × 5 में। देखो इसे प्लस करने के बाद मुझे 6 मिल रहा है, माइनस करने के बाद 4 मिल रहा है, किसकी जरूरत है, 4 की, मतलब यही मेरा फैक्टर होगा। तो चलो 5 के फैक्टर्स निकालते हैं, पर थोड़ा साइन के तरफ ध्यान दे देते हैं, दोनों माइनस, दोनों माइनस, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, पर ग्रेटर नंबर माइनस होगा। क्या कहा इसने, दोनों अगर माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस होगा। तो चलो ग्रेटर नंबर क्या होना चाहिए मेरा, माइनस, तो फैक्टर्स क्या है, 1 और 5, ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस, ओके, तो यहां मेरे फैक्टर्स क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x, राइट, ये 1 प्लस का, क्योंकि हमने क्या कहा, प्लस और माइनस फैक्टर्स निकलेंगे, पर ग्रेटर नंबर किसके साथ, साइन माइनस की किसके साथ रहेगी, ग्रेटर नंबर के साथ, तो ये माइनस 5, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ओके, बाकी किसी में चेंज नहीं करना है, यहां पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब ये होता है, बीच के टर्म को फैक्टर्स कर दो, फैला दो, स्प्लिट कर दो। सो यहां पे अभी क्या करना है, नेक्स्ट है, मेक
दो दो फैक्टर्स, ठीक है, दो दो फैक्टर्स बना देते हैं। कॉमन क्या निकला था, एक्स माइनस फाइव, सोचे समझे लिख लो यहाँ पे एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सोचना ही नहीं है कुछ, यहाँ पे एक बार हमने कॉमन निकाल लिया वो यहीं पे आएगा ही आएगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। अब यहाँ पे क्या है बेटा, साइन प्लस और साथ में क्या है वन, तो ये प्लस वन, ओके, यानी क्या बन गया है मेरा एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू फाइव, ये हो गए हमारे दो फैक्टर्स, ठीक है। अब रूट्स जो हमने बात किया था क्या होता है, जिस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन में वेरिफिकेशन करना सीखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू माइनस वन रखोगे फिर भी आंसर जीरो मिलेगा, x की वैल्यू फाइव रखोगे फिर भी आंसर जीरो मिलेगा, क्लियर। यहाँ पर गिवन इक्वेशन में अगर आपने x की वैल्यू माइनस वन पुट अप कर दी फिर भी आंसर जीरो मिलेगा, अगर x की वैल्यू फाइव पुट अप कर दी फिर भी आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप उस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने निकाला हुआ आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्या करना है आपको, x की किसी भी एक वैल्यू को उसमें पुट करके देख लीजिए, अगर आंसर जीरो मिलता है मतलब आपने निकाला हुआ आंसर राइट है। तो चलो हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन तो दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस है, मुझे फैक्टर्स किसके निकालना है, सिक्स के फैक्टर्स किसके निकालना है, सिक्स के। अब सिक्स ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद सिक्स आए और एडिशन करने के बाद फाइव आए, सिंपल, थ्री टू जा सिक्स और थ्री प्लस टू फाइव, तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर से वही चीज कि थ्री पहले लिखना है या टू पहले, डोंट थिंक अबाउट दैट, कोई भी वैल्यूज लिख लो। तो यहां पे दो दो की पेयरिंग, तो कॉमन क्या निकला बेटा यहां से x, तो ये हो गया x प्लस थ्री, यहां पे भी आ गया x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहां क्या है टू किसके साथ में, प्लस के साथ में, तो यहां आ गया प्लस टू, यानी फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस टू और x की वैल्यू माइनस थ्री, तो ये हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू कितनी मिली माइनस टू और x की वैल्यू मिली माइनस थ्री, दो वैल्यूज मिलेगी। क्यों मिलती है दो वैल्यूज इसलिए मिलती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जितनी जिसकी डिग्री उतने ही उसके आंसर्स, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है जो हमने रूल लिखा हुआ है, कभी आपकी ये रूल अगर आपको समझ जाए तो आपकी कभी भी प्लस माइनस में गलतियां नहीं होगी। तो चलिए कुछ और थोड़े से लेवल को इंक्रीज करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व आउट करेंगे। इन प्रॉब्लम्स की तरफ थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इन प्रॉब्लम्स में हमने जो रूल नंबर टू लिखा था जिसमें कहा गया था कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट होगा तो उसे हम c से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका फैक्टर निकालेंगे। क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमने क्या कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर, अब यहां y है ठीक है, कोई वेरिएबल चेंज हुआ है, अदरवाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि x ही होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल चेंज हुआ है। तो यहां क्या हुआ है, क्या कहा हमने, c को a के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर उसके फैक्टर्स निकालना है, क्लियर डाउट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, तो इट इज स्टेट दैट 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो पहली स्टेप क्या करना है मुझे, 13 into 2 यानी 26, क्या करना है 26 के फैक्टर्स निकालना है, किसके फैक्टर्स निकालना है 26 के, 13 के फैक्टर्स नहीं निकालेंगे क्योंकि y स्क्वायर के आगे 1 से बड़ी वैल्यू है, तो दैट इज 13 इंटू 2 दैट इज 26, तो मुझे फैक्टर्स किससे निकालना है 26 के, तो 26 का ऐसा कोई वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद या 26 आता हो और प्लस और माइनस करने के बाद 27, तो इट इज सिंपल 26 एंड 1, राइट, वन क्या है 26 और 1, तो यहां लिखेंगे हम 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0,
इस प्रॉब्लम को ना मैं आपको यहाँ पे प्लस वन वाई लेकर भी समझा दूंगा कि फर्स्ट प्लस वन वाई लेने के बाद में 26y लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पेयरिंग करने की। अब ऑब्वियस यहाँ दोनों साइन कैसे है, प्लस है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, पेयरिंग करने की। कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन अगर निकालने के लिए तकलीफ हो रही है तो मेक दैट 2 और 26 अलग अलग लिख लो। नहीं समझ रहा है तो थोड़ी सी लेंथी प्रोसीजर कर लो, पर रॉन्ग मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और 26 कोएफिशिएंट है, तो ये क्या हो सकता है 2 इंटू 1, और ये क्या हो सकता है 2 इंटू 13। दोनों के कॉमन क्या है 2 है, दोनों के कॉमन क्या है 2 है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कॉमन 2y। कॉमन क्या निकलेगा 2y, तो बेटा यहाँ क्या बचा y बच गया, और यहाँ क्या बच गया 13, यहाँ क्या बच गया y, और उधर क्या बच गया 13। अब क्या करना है, ये जैसे है वैसे उठा के यहाँ पे लिख लो, ओके जैसा है वैसा उठा के लिख लिया हमने y प्लस 13। अब बचा क्या है प्लस 1 है ना, साइन प्लस, और बचा क्या है 1, बी क्या राइट किया प्लस 1, यानी मेरे दो फैक्टर्स होंगे y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 13, प्लस 13 है राइट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 13। और ये देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2y इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 था राइट साइड चले गया माइनस 1 हो गया, ये मल्टीप्लाइड में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो इस तरीके से हमें y के दो रूट्स मिल गए, y के दो सॉल्यूशंस मिल गए, दो सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को ना मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर हमने 1 बाय पहले लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, तो देखिए इसे ना मैं 1 बाय पहले लिख देता हूँ आपके लिए, 2y square plus 1y plus 26y plus 13 is equal to 0, okay। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, यहां से कॉमन क्या निकल रहा है 5, कॉमन क्या निकल रहा है 5, बचा क्या बेटा यहाँ 2y plus 1, क्या बचा 2y plus 1 है ना, 2y square plus 1y, तो यहां से कॉमन निकल गया हमने y, तो यहां बचा गया 2y plus 1, जैसा है वैसा लिख लेते हैं यहां पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू को किससे मल्टीप्लाइड करने के बाद 26 आएगा, तो इट इज प्लस ऑफ 13, 13 टू जा 26 इंटू वाई, 26y प्लस 13 इंटू 1 13। देखिए ये जो मेथड्स होती है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आपने देख लिया और एक बार अगर समझ जाती है तो फिर आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो डोंट एकदम ना हेजिटेट, इरिटेट मत हुई कि ये सर समझ ही नहीं रहा है, सर ट्राई करके देखा है पर समझ नहीं रहा है, मेक इट, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बन गया मेरा y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया सेम। तो चाहे आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए ऐसा कोई फर्क होने वाला नहीं है, आंसर सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को और उसे समझते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए 1 बाय 2 है ना, अब 1 बाय 2 होगा तो अब मुझे उसका ना फैक्टर्स निकालना तकलीफ हो जाएगी, तो मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में दी हुई सारी टर्म्स को, डिनोमिनेटर में दी हुई सारी टर्म्स को मल्टीप्लाइड कर देंगे या फिर उससे एलसीएम निकाल देंगे। तो भैया इसको अगर एलसीएम निकालते तो ऑब्वियस 2 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, 2x square minus 2x plus 1 by 2 is equal to 0. तो 2 से सबको multiply कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Obvious 2 को 0 से multiply करेंगे 0 ही होगा। अब क्या करना है, a और c का multiplication, मुझे factors किस के निकालने होंगे 4 into 1, यानी factors निकालने हैं 4 के। ऐसी कोई वैल्यू जिसे मल्टीप्लाइड करने के बाद 4 आए और प्लस माइनस करने के बाद भी 4 आए, पर साइन या पहले माइनस दूसरी प्लस, फैक्टर्स तो मिल गए मुझे 2 और 2, फैक्टर्स तो मिल गए मुझे 2 और 2, पर साइन क्या थी, अगर पहली माइनस और दूसरा प्लस होगा तो दोनों फैक्टर्स माइनस होने चाहिए, दोनों फैक्टर्स कैसे होने चाहिए माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस और माइनस।
तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ पेयरिंग, ये दो की ये दो की साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां पेयरिंग कर लिए कॉमन क्या निकलेगा, तो बेटा कॉमन निकलेगा 2x। अगेन कैसे निकल रहे उसके तरफ ध्यान दे लो, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके 4 को और फैक्टर्स कर लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, अब क्या बचा है मेरे पास 2x, 2x को कैसे लिखेंगे 2x, तो ये एक 2 ये एक 2 ये x x, मतलब कॉमन क्या निकला 2x। इतना डिटेल यानी कि पीछे सिर्फ रीजन इतना है कि जिन्हें नहीं समझ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकल गया है, तो 2x कॉमन निकालने के बाद देखिए यहाँ बचा क्या 2x है ना, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 2x माइनस 1, लिख लो यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कोई चेंज नहीं करना है। अब साइन क्या थी बेटा यहाँ माइनस, किसके साथ 1 के साथ, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो उतना ही आएगा, इसलिए हमने क्या लिख लिया माइनस 1। तो आंसर्स क्या हो गए 2x माइनस 1 और सेकेंड भी क्या हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2। एक ही बार आंसर मत लिखना, x इज इक्वल टू 1 बाय 2 अगर दोनों सेम है फिर भी उसे आपको दो बार ही लिखना होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 बाय 2 दो बार आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिली 1 बाय 2। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है ना, पहला क्वेश्चन तो ये सवाल आ गया कि आपने कहा था कि अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, किसी की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए तब हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, पर यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री 2 है ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे। पर यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x है, हम इसे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाइड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाइड करना होगा x से, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखिए क्या हो रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x, राइट वन x इंटू 6x, 6x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 x। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है a और c का मल्टीप्लिकेशन, a और c 6 2 सा 12, तो बच्चे फैक्टर्स किसके निकालना है 12 के, फैक्टर्स किसके निकालना है 12 के, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए या फिर प्लस माइनस करने के बाद 1 आए। इसके फैक्टर्स हमें मिलेंगे 3 4 12, है ना, क्या मिलेगा 3 4 12, मतलब 4 माइनस 3 करने के बाद 1 बचेगा। अब यहां पर साइन की बात आती है, दोनों साइन माइनस होगी तो हमने क्या पढ़ा है, अगर दोनों साइन माइनस होगी तो ग्रेटर नंबर के ऊपर माइनस साइन होगी और स्मॉलर नंबर के ऊपर प्लस साइन होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस, सो इट इज रिटन एज 6 स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलो दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, अब दो दो की पेयरिंग करने के बाद कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो बेटा कॉमन निकलेगा यहां से 3x, कॉमन क्या निकलेगा 3x और यहां क्या बचेगा 2x प्लस 1, कॉमन क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो यहां क्या आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या होगा। अब देखिए इस 2x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस 4x मिल गया, तो वो होगा माइनस 2, वो क्या होगा माइनस 2, तो फैक्टर्स क्या बन गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो इसे सॉल्व आउट कर से देयरफॉर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2 है उधर जाने के बाद प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 है राइट साइड माइनस 1, सो इट इज x इज इक्वल टू 2 बाय 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड में था यहाँ के डिवाइड, 2 मल्टीप्लाइड में था यहाँ पर आके डिवाइड, तो इस तरीके से हमें मिलेगी x की दो वैल्यूज। तो यहाँ क्या ध्यान रखना था, ये तो फ्रॉम नेकेड आए हमें नहीं समझ में आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर आपको क्वेश्चन मिल गया कि इसे सॉल्व आउट करो या इसके फैक्टर्स निकालो, तो क्यों निकला, क्योंकि डिवाइड बाय x था। एक चीज और कि यहां पर हम
खुद होकर x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने इसे सिंप्लीफाइड किया है। मतलब आपको अगर कोई इक्वेशन दिया हो, सपोजली 3x - 2 = 0, और आपको बोल दिया जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उसे नहीं कहोगे राइट, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हम अब जैसा इसमें x से मल्टीप्लाई किया, तो ये नहीं कहेंगे कि सर इसे x से मल्टीप्लाई करके तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ, तब क्वाड्रेटिक बनेगा, पर हम इसे x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर गिवन है तभी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था इसलिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया। तो चलिए देखते हैं फोर्थ वन को। फोर्थ वन में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है। फोर्थ वन में आ गए रूट्स। स्क्वायर रूट वैसे भी हमें प्रॉब्लम देता है, तो पहले स्क्वायर रूट को समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर मैं रूट ए इंटू रूट ए कहूँ तो ए हो जाएगा बेटा, रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है, और रूट ए इंटू रूट बी रूट ऑफ ए बी हो जाता है। इन चीजों को इसमें थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या कहा था हमने, a इंटू सी करना है। तो देखिए 5 रूट 2 ये मेरा c हो गया, a क्या है मेरा रूट 2। अभी हमने क्या कहा, रूट ए इंटू रूट ए, मतलब यहां पर रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 मतलब 10। दैट मीन्स मुझे फैक्टर्स किसके निकालना है, 10 के निकालना है। So, 10 के फैक्टर्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दोनों साइन प्लस है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा ये। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर ना चलो मैं लिख लेता हूँ, 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। एज इट इज कॉमन निकालना है, इसे पेयरिंग इसे पेयरिंग, ओके कॉमन निकालना है। भैया कॉमन तो मेरा x से निकल रहा है, क्योंकि रूट 2 और 5 का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ क्या बच गया, रूट टू एक्स प्लस 5। चलो ये चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे हम जैसी थी वैसी। अब क्या है, इस रूट टू को किस टर्म से, रूट टू को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2 मिल जाए। ऑब्वियस रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, पीछे तो ऑब्वियस आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एक्स प्लस रूट टू और रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, पहले रूट टू और 5 रूट टू को मल्टीप्लाई कर दिया, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करना है। कितना मिला मुझे, 10। 10 के फैक्टर्स हमने क्या निकाले, 7x मतलब 10 के लिए 5 और 2, क्योंकि 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये मिला मुझे 5x और 2x। बाद में क्या कर लिया हमने उसे, पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद क्या करना है हमें, उसे कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर जो है वो एज इट इज वैसे ही लिखना है, लिख लिया हमने। अब देखना था रूट टू एक्स पर, यहाँ पे कितना था 2x, तो रूट टू एक्स 2x कब हो जाएगा, जब मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे साइन थी प्लस की, तो हमने प्लस लगा दिया, माइनस होती तो माइनस लगाते, प्लस रूट 2 आ गया, तो ये मिल गया। तो यहाँ से क्या मिला, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रूट 2, प्लस है उधर जाके माइनस, और रूट 2 x इज इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो अभी चलते हैं फिफ्थ वन के लिए। अभी फिफ्थ में देखोगे तो फिफ्थ में मिडल में रूट है ना, यहाँ देखिए 2√6। इस क्वेश्चन के थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट वन इज 3x² - 2√6x + 2 = 0। वही कंसेप्ट यहां देखिए, हाँ रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, एंड रूट ए प्लस रूट ए इज इक्वल टू 2√a। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके आगे जैसा अगर मैं एग्जांपल लू 2√a + 3√a, तो ये 5√a हो जाएगा, है ना, रूट ए रूट ए मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये 3 और 2 कोएफिशिएंट्स ऐड करना है। जैसे हम कहते हैं 3x + 2x = 5x, तो वैसे 2√a + 3√a यानी 5√a। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, मैं रूट ए प्लस रूट बी इसका कोई आंसर नहीं निकाल सकता हूँ, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे रूट 3 प्लस रूट 2 एडिशन नहीं होता है, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जब दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन होता है तो वो हमेशा इरेशनल ही होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है फर्स्ट टॉपिक में, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, 2 × 3 = 6, फैक्टर किसके निकालना है, 6 के। जब भी मिडल में, जब भी सिर्फ मिडल में आपको स्क्वायर रूट दिख जाए, वो स्क्वायर रूट लिख लो यहां,
जो भी दिया होगा इसकी इसको तो ध्यान में क्या कहा, जब भी मिडल में आपको स्क्वायर रूट दिख जाए तो जो स्क्वायर रूट मिडल में होगा वो स्क्वायर रूट लिख लीजिए। ओके, मुझे क्या निकालना है, 3 to the 6 के फैक्टर। अब भैया रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होता है, 6 होता है ना, इसको मल्टीप्लाइड करके तो मुझे 6 मिल गया। अब बचा क्या मेरे पास, 1। सिंपल सा फैक्टर्स। तो यहां पे देखिए साइन के तरफ अगर मैं ध्यान दे दूं तो यहां 2 है, यहां -2 है, यहां प्लस है, मतलब एक साइन माइनस दूसरी साइन प्लस, तो दोनों माइनस होनी चाहिए। -1 -1 यानी -2, तो -2√6 बन गया मेरा। क्या कहा, सिर्फ इन इन कंडीशंस की तरफ ध्यान दीजिए, जो बीच में रूट मिलेगा उसको पहले लिख लीजिए, फैक्टर्स निकालते वक्त जो बीच में रूट मिलेगा उसे पहले लिख लेना है आपको। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर्स मिले 3x² माइनस मैं सिर्फ यहाँ √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। √6x मतलब इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 होगा। चलो कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं x², यहां बच जाएगा माइनस रूट, सॉरी कॉमन निकलेगा x, तो यहां बच जाएगा 3x माइनस रूट 6, तो यहां पे भी बच गया 3x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया, सर यहां तक तो ठीक है, यहां तक समझ गया, पर अब यहां पे किस तरीके से हम फैक्टर्स गिराएंगे, कि 3 को रूट 6 बनाना है ना, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड भैया, 3 को रूट 6 बनाना थोड़ा सा सर दर्द हो जाएगा, या फिर 2 को रूट 6 यहाँ पे आ गया तो किस तरीके से सर हम कॉमन निकाल पाएंगे। इट इज इजी, हो सकता है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं होगा, इट इज इजी, हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे कॉमन निकालते वक्त ऑलरेडी रूट 6 एक्स के फैक्टर्स निकालना था। देखिए कैसे, 3x² है ना, 3x², इट इज 3 × x × x। ओके डन। यहां पे देखिए इस टर्म को मैं और ऐसा लिख लेता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3 × √3 × x × x, क्या कहा, √3 × √3 × x × x। तो चलिए अब रूट सिक्स को लिखते हैं, रूट सिक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 × √3 × √x। इस स्टेप पे जरा ध्यान दीजिए, मैंने किस तरीके से कॉमन निकाला है, यहां पर रूट सिक्स था, रूट सिक्स को मैं कैसा लिख सकता हूं, √2 × √3 × x, यहाँ पर 3x² है, 3x² को पहले मैंने लिखा 3 × x × x, फिर 3 को कैसा लिख सकता है, √3 × √3 × x × x, क्यों, क्योंकि यहाँ मुझे कॉमन निकालना था। तो देखिए बच्चों कॉमन क्या निकल रहा है, √3 और x, कॉमन क्या निकल रहा है, √3 x, इसलिए मैंने पहले स्टेप आपको ये कराई कि देखो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकता है। तो अब मुझे बताइए यहाँ क्या बच गया, क्या बच गया, √3 x बच गया, माइनस रूट सिक्स में से कितना बचा, √2 बच गया, यहाँ क्या जाएगा बेटा, √3 x माइनस √2। अब √3 को किस टर्म से मल्टीप्लाइड करूं कि रूट सिक्स हो जाए, √2 से, सो इट इज -√2, बन गया इजी। तो यहाँ कॉमन निकालते वक्त फर्स्ट टर्म में ही कॉमन बहुत क्लियरली निकाल लीजिए, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। सो यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो गए, √3 x माइनस √2 और √3 x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स √3 x इज इक्वल टू √2 और यहाँ पे भी क्या मिल गया, √3 x इज इक्वल टू √2। सो x इज इक्वल टू √2/√3 और x इज इक्वल टू √2/√3। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन पर, और मैंने इतने प्रॉब्लम्स ले लिए हैं कि आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाने चाहिए। मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे वो इस वीडियो में इन्वॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स इस फैक्टराइजेशन मेथड्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हो जाएंगे और खुद प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।